एशिया कप शुरू होने से ठीक पहले किंग कोहली यानी कि विराट कोहली के ऊपर में बहुत दबाव था। लगभग एक डेढ़ महीने के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे थे और सबके मन में सवाल यही था कि क्या वाकई में ब्रेक लेने के बाद विराट कोहली का बल्ला बोलेगा या फिर शांत हो जाएगा और एक बार फिर से वो फेल हो जाएंगे, और अगर फेल होते तो फिर उनके पोजीशन पर भी सवाल लोग उठाना शुरू कर देते। लेकिन आपको बता दें कि विराट कोहली ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि आखिर उनका फॉर्म कैसे वापस आया और उन्होंने क्या चीजें की हैं, क्या बदलाव की हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म आया है। रोहित शर्मा के साथ बातचीत कर रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया कि अचानक आपका फॉर्म आया और ब्रेक के बाद जिस तरीके से आप फ्रेश नजर आ रहे, उन्होंने कहा कि देखिए दो चीजें मैंने बार बार अपने आप को समझाया कि T20 फॉर्मेट में ऐसा नहीं है। ये विराट कोहली की बातें हैं। उन्होंने कहा कि T20 फॉर्मेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आकर छक्के लगाने से ही आप स्ट्राइक रेट बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं किसी भी गेंदबाज पर आकर लंबे लंबे छक्के टांगने लग जाऊं, और मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं गैप ढूंढता हूं, चौके निकालता हूं, मैं काफी तेज रनिंग विद इन द विकेट करता हूं और वहां से भी मैं रन रेट बढ़ा सकता हूं। और विराट कोहली ने कहा कि मैंने अपने आप को समझाया कि मैं थोड़ा सा अलग हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आकर ही लगातार छक्के जड़ूंगा और उससे काम चल जाएगा, और वो टेम्पलेट मुझे सूट भी नहीं कर रहा था, मैं फिट भी नहीं हो रहा था उस टेम्पलेट में, इसीलिए मैंने अपने आप को समझाया। मैंने कोच राहुल द्रविड़ से बात की, उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ गैप में ढूंढ ढूंढ कर आप रन निकालो और धीरे धीरे करके आपका फॉर्म आ जाएगा, और मैंने यही बदलाव अपने बल्लेबाजी में की। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैंने समय लिया, अपने आप को संभाला, मुझे पता था कि 10-15 बॉल में खेलूंगा तो बाद में मैं स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सकता हूं, और ऐसा नहीं है कि टीम को मैंने बीच में छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट की वजह से ऐसा नहीं है कि टीम का स्ट्राइक रेट का जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसे बढ़ाया जा रहा हूं और मैं उस तरीके से नहीं खेल रहा हूं, लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी मुझे जो दी गई थी, जो मेरा रोल था, वो यही था कि जब टीम को जरूरत पड़े तब मैं तेज बल्लेबाजी करूं, जब नहीं जरूरत है तो कम से कम मैं सॉलिडिटी दूं, जो कि मैंने निभाया है। और उन्होंने कहा कि यही बड़ा बदलाव मैंने अपने बल्लेबाजी में की कि मैं अब जल्दबाजी में नहीं रहता हूं कि लंबे लंबे शॉट्स मार दूं, मैं सिर्फ गैप्स को ढूंढता हूं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता हूं, और वहीं से जब मैं रन बना सकता हूं तो मैं फिर आड़े तिरछे शॉट मारने की कोशिश क्यों करूं। तो आप सोच लीजिए कि विराट कोहली अपने बेसिक्स पर चले गए हैं, और जब इस तरीके के जोन में विराट कोहली हो तो आने वाले समय में आपको स्पोर्ट्स टॉक प्रॉमिस कर सकता है कि विराट का बल्ला चलेगा, और ना सिर्फ चलेगा बल्कि अपोजिशन के जो गेंदबाज हैं वो रोएंगे। बाकी खिलाड़ियों के बारे में हमें नहीं पता, पर बट फॉर श्योर मैं आपको विराट कोहली के बारे में बता सकता हूं कि उनका बल्ला चलेगा और इसी तरीके से वो रन बनाते हुए आपको नजर आएंगे। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।